जाओ जरा, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई। ओ पीएम भाई प्लीज बैठ जाओ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया प्लीज बैठ जाओ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश महामंत्री भाई रणवीर रावत जी, जिला अध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, हमारे सांसद श्री विवेक सेजलवलकर जी, पूर्व विधायक श्री जसवंत जाटव जी, पूर्व विधायक बहन शकुंतला खटीक जी, पूर्व प्रत्याशी राजकुमार खटीक जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान रमेश खटीक जी। जोर से ताली बजाओ रमेश जी के लिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले बगीचा वाले हनुमान जी, लोरी मैया, राजेश्वर मंदिर और बलारपुर देवी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये स्थान है जहां महान स्वतंत्र सेनानी तात्या टोपे को यही क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी, फांसी लगाई थी। मगर अंग्रेज मानते थे कि तात्या टोपे को फांसी लगाकर उनके खिलाफ आंदोलन समाप्त हो जाएगा। परंतु 1857 में जो लॉ तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई ने जलाई थी, वो आजादी का एक विस्फोट बनकर निकली और देश को आजादी मिली। आज इस भूमि पर मैं तात्या टोपे को मन से प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुबख्श सिंह का भी यहीं से, कर्नल गुरुबख्श सिंह गए, उनको भी सम्मान पूर्वक याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है। भैया बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। ओ काले शर्ट वाले भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, ऐसे नहीं होता है। मध्य प्रदेश में आप भी बैठ जाओ ग्रीन टोपी, और आप भी बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ जरा। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में करेरा के मेरे भाइयों बहनों को एक वोट देना। वोट देते वक्त ऐसा मत सोचिएगा कि आप रमेश खटीक को प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए वोट दे, ऐसा मत सोचिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया, वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट।
आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा। एक और कांग्रेस की सरकार जिसमें कई सालों तक अंधेरे में रखा मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा, हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। मैं आज यहां से कमलनाथ को कहने आया हूं, जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब देना। आप जब 2002 में मध्य प्रदेश छोड़कर गए तब मध्य प्रदेश में बजट की साइज सिर्फ 23,000 करोड़ थी। आज 2023 में भाजपा के 18 साल में 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट विकास का बना है। माताओं, भाइयों, बहनों, एससी और ओबीसी के लिए 1,000 करोड़ का बजट कांग्रेस का था। कितने रुपयों का था? जोर से बोलो कितने का? 1,000 करोड़ के बजट को हमने बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उद्योगों की बात करें तो साल में सिर्फ 4,000 एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होते थे, आज 4,000 की जगह 3,62,000 एमएसएमई बनते हैं। सड़क सिर्फ 60,000 किलोमीटर थी, आज 18 साल के शासन के बाद 60,000 से बढ़कर 5,10,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश में बनी है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4.5 लाख टन बनता धार करते थे, 4.5 लाख टन से बताकर हमारे शिवराज जी ने 71 लाख मैट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। और मेडिकल सीटें 620 थी, इसको 4,000 तक बढ़ाया। आईआईटी 150 थे, आज 1,000 आईआईटी है। और पर्यटक मध्य प्रदेश में 64 लाख आते थे, अब देश भर से 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। ये पूरा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है, आज अंबेडकर जी का फोटो लगाकर घूमते हैं। अंबेडकर जी का जीवन भर अपमान अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने अंबेडकर जी को जब तक उनकी सरकारें रही भारत रत्न नहीं देने दिया। अंबेडकर जी को संसद में ना आए इसके लिए हमेशा षड्यंत्र किया। और भारतीय जनता पार्टी ने मऊ में शिक्षा भूमि बनाया, लंदन में जहां ठहरे थे वहां स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया,
दिल्ली में महापीरवा परिनिर्वाण स्थल बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अलीपुर में भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमें जब मौका मिला तब दलित घर के गरीब बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसका परिणाम देखिए, आज देश भर में सबसे ज्यादा एससी विधायक और एससी सांसद अगर किसी एक पार्टी के हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के। माताओं भाइयों बहनों, 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था, हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2,00,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को भी, 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी अभी शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए चालू की और नरेंद्र मोदी जी ने 30% आरक्षण बहनों को विधानसभा और लोकसभा में देकर मातृशक्ति का सम्मान किया। मुझे बताओ करेरा वालों, ये चंद्रयान जब चंद्र पर उतर रहा था टीवी पर देखकर आनंद होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था? चंद्रयान जहां उतरा वहां शिव शक्ति स्पॉट देने से हमारा दिल गौरव से भरा है या नहीं भरा है? मोदी जी नई संसद में सेंगोल स्थापित करते हैं, हमारा मन गौरव से भरता है या नहीं भरता है? नई संसद बनाई, G20 में सारे दुनिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का महिमा मंडन किया, मोदी जी का वखान किया और मोदी जी के साथ एक पंक्ति में रहकर हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने का काम G20 में हुआ है। भारत को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने हर बात का विरोध किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, मौनी बाबा की जिबान सिली हुई रहती थी। फिर मोदी जी की सरकार आई, आपने ढेर सारी सीटें बढ़ाई, मोदी जी की झोली में डाली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने गलती कर दी, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ करेरा वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोले, कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी एक अनोरस संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, अच्छे से जानते हो ना, ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370
करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, अयोध्या में जहां श्री राम का वहां मंदिर बनना चाहिए था, जोर से बोलो बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी 70 साल से मंदिर के प्रश्न को लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन से जाकर वहां भूमि पूजन किया और मैं तो निमंत्रण देने आया हूं आप लोगों को 22 जनवरी को जवाब देना चाहता हूं। 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, राहुल बाबा पूरे देश में गदर मचाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा तिथि सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर को 12:30 बजे रामलला प्रस्तावित। भाइयों बहनों, सिर्फ अयोध्या मंदिर नहीं, उज्जैन में महाकाल लोक बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और इसके साथ साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी उद्धार करने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने योगा को और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाकर भारतीय संस्कृति के ध्वज को पूरी दुनिया में पहुंचाने कमलनाथ जी को आगे कर रही। मैं आज यहाँ कहने आ रहा हूँ, कमलनाथ बीच में 1.5 साल आ गए, 1.5 साल के लिए क्या किया, बहुत सारे उद्योग उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित किए। आप बोलोगे कि नहीं किए, ऐसा नहीं है भाई, कुछ तो उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में कमीशन खोरी का उद्योग स्थापित किया, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज लगाने का काम किया, बेटा दामादों के कल्याण का उद्योग स्थापित किया और भ्रष्टाचार के इंडस्ट्री लगाने का काम एक कमलनाथ ने किया। मित्रों, शिवराज जी ने चालू की हुई 51 से ज्यादा गरीब कल्याण योजनाएं बंद की। मुझे मालूम है कमलनाथ आने वाले नहीं है, मगर भगवान न करे कमलनाथ आ गया तो लाडली बहना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 रुपया मिलना भी नहीं। बताओ कमलनाथ जी को लाना चाहिए क्या, लाना चाहिए क्या? 350 करोड़ का मेजर गोयल घोटाला किया, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड में नाम आया, 600 करोड़ का इफको का घोटाला किया और 25,000 करोड़ की कर्ज माफी का घोटाला एक कमलनाथ ने किया। कमलनाथ इतनी आयु बढ़ गई, अभी पेट भरा नहीं है क्या? इस बार मध्य प्रदेश वाले आपके सुनने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कमीशन, सी फॉर कम्युनल दंगे और सी फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।
बहुत जरूरी है। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, तब उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भेजा था। कितना भेजा था भाई? 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख करोड़। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 7,25,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को रेलवे, एविएशन और इंस्टीट्यूशन का मिलकर और 8 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कुल मिलाकर सभी योजनाओं को मिला दे तो 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की जनता को भेजने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस और गरीब कल्याण इनका कोई लेन देन नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को सम्मान दिलाने का काम किया है। खाली मध्य प्रदेश में 93 लाख से अधिक किसानों को हर साल हमारी डबल एंडिंग सरकार 12,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में डालती है। 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 गरीबों को हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ कर दिया। 80 लाख शौचालय बनाकर माताओं बहनों का सम्मान किया। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। 82 लाख बहनों को उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर दिए। 36 लाख से ज्यादा गरीबों को घर दिया। और मुझे बताना करेरा वालों, मन से सबका दोनों कोरोना का टीका लग गया है या नहीं लग गया है? लग गया। हाथ तो ऊपर करो, लग गया है या नहीं? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? अरे देना पड़ा है क्या? ऊपर से कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? कॉफी पिलाकर कोरोना का टीका देकर इसका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर भेजकर मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये टीका मत लीजियो, ये तो मोदी टीका है, कुछ हो जाएगा। मगर राहुल बाबा की किसी ने सुनी नहीं। जब लगाने लगे तो एक दिन अंधेरे में जाकर उन्होंने भी ठाकुर टीका लगा दिया। इस तरह के लोग हैं, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपके सामने मन से अपील करना आया हूं, आप जब फैसला करें मध्य प्रदेश के युवा के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए फैसला करें। आप जब फैसला करें तो देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर मोदी जी के साथ बिठाने के लिए फैसला करें। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 2040 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे? भाई रमेश खटीक को एमएलए बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और कमलनाथ के कान तक पहुंचे ऐसे प्रचंड वाद से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करेरा वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग। राहुल गांधी और कमलनाथ को निशाने पर लिया। अमित शाह ने यहाँ चुनावी मंच से जिस तरह से निशाना साधा और इस वक्त मंच पर अपना भाषण खत्म करने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर मौजूद पार्टी के समर्थन में आए लोगों का
मंच पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मौजूद हैं, अमित शाह तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आपको, स्थानीय प्रत्याशी उनके साथ इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये जो आज की रैली रही जिसमें अमित शाह ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस की सरकार जब यहाँ रही तो उसने प्रदेश को बीमारू बनाया और हम इसे विकसित राज्य बना रहे हैं और प्रदेश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कई और बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, बिजली से लेकर सड़क तक काम किया है, आने वाले समय में भी अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर काम करेंगे, गरीब के विकास के लिए काम करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा फोकस किया, बताया है कि 22 जनवरी को आना है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं,